सुना है कि जो इधर से खाना खा के चला जाए वो पीछे से ये पैसे नहीं मांगते। पैसे नहीं मांगते। आप जब होटल बनाए अपना दरवाजा न रखे, आप अल्लाह पाक आपकी रिजल्ट वो देगा। अल्लाह पाक सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पंजाब का एक शहर है, इसका नाम हज़रो है और ये ज़िला अटक में आता है। नाज़रीन, यहाँ पे हमने अभी खाना खाया और एक होटल है जिसके बारे में मैंने कुछ बातें आप सुनी यहाँ पे, मैं चाह रहा था कि मैं आपसे शेयर करूँ। सबसे पहली बात, ये वो वाहद होटल है जिसकी मशहूरी इस इलाके में बहुत ज़्यादा है और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद खाना खाया। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर गुरबा को फ्री खाना दिया जाता है, सबसे पहली बात जो आपको किसी होटल में नज़र नहीं आएगी। और अगर आप खाना खा चुके हैं और खाना खा के जा रहे हैं, आपको पीछे से आवाज़ दे के ये नहीं कहा जाएगा बिल दे दें। अगर आप भूल के जा रहे हैं, जानबूझ के जा रहे हैं, आपसे पैसे नहीं मांगे जाएंगे, आपने खुद जाके पेमेंट करनी है। और मैंने ये भी सुना है कि सुबह के वक्त यहाँ पे जो फकीर होते हैं, गरीब होते हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता, उनको खाना यहाँ पर बिठा के खिलाया जाता है। सबसे बड़ी बात, हम फकीर को बस खाना पैक करते हैं और दे देते हैं, लेकिन ये वो वाहद होटल है जहाँ पे खाना बिठा कर खिलाया जाता है और गरीब और मस्कीन यहाँ पर पेट भर के खाना खा सकते हैं। अब मेरा ख्याल है कि इनके इस तरह के जो अभी हाल मैंने दिखाना है अभी आपको, इस हाल जैसे इनके चार हाल और भी हैं जहाँ पे लोग खाना खाते हैं और ये 24 घंटे चलता है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इस हॉल का या इस होटल का कोई दरवाज़ा आप नज़र नहीं आ रहा। मैंने ये भी पूछा कि यह होटल का दरवाज़ा क्यों नहीं है, तो फिर मैंने सुना यहाँ पर कि इनके पीर और मुर्शद, अभी जो जिनकी मैं तस्वीर भी आपको दिखाने जा रहा हूँ आगे जाके, फिर सखी उनका नाम है, सखी लाला जी सरकार, जो भी मैं भी दिखाऊँगा अभी आप वो तस्वीर देखेंगे तो तब भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उनका फरमान था कि आपने किसी से पैसे नहीं मांगने और गरीब को खाना फ्री देना है और साथ में उन्होंने कहा आपने दरवाज़ा नहीं लगाना। तो मेरा ख्याल है कि ये उनका फरमान भी है और कुछ इनकी भी फराख दिली है, क्योंकि अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो दुनिया में देता है तो अल्लाह उसको और देता है। आइए आपको अंदर दिखाते हैं। जी अजी, ये देखिएगा, ये बैठने की जगह है, यहाँ पे बड़ी खुली जगह है, खाने से लेकर चाय तक सब कुछ यहाँ पे। ये है जी बाबा जी, इनका क्लोज कर लीजिएगा जरा, का नाम है सखी शहनशाह हजरत किबला बाबा जी सरकार, सखी शहनशाह हजरत किबला बाबा जी सरकार, बाबा जी साहब का नाम लिखा हुआ है। इनका फरमान है जो मैंने सुना है यहाँ पे, और इनके खाने की सफाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत सारी डिशेज हैं। इन डिशेज में अगर मैं आपको दिखाऊँ बताऊँ तो मटन कढ़ाई है, चिकन बोटी है, मगज़ कढ़ाई है, पाए कड़ी पकौड़ा, कटवा गोश्त, मटन कोरमा, मलाई बोटी, सीख कबाब, कलेजी, दाल माश, ये आपको देख भी रहे होंगे, लोग खाना खा भी रहे हैं और हम उनसे पूछेंगे भी कि इनको खाना कैसा लगा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, खाना खा रहे हैं माशाल्लाह, बरकत है आपको, कैसा खाना बनता है यहाँ पे? यहाँ बहुत अलग खाना बनता है, हम रोज जुमरात को हम काम से आते हैं। और अच्छा, तो इनका रेट भी सही है? इनका रेट बहुत मुनासिब है। आप इसी इलाके में रहते हैं? जी इसी इलाके में रहते हैं। तो क्या कहते हैं, मैंने जो इनके बारे में सुना है कि ये गुराबा को खाना फ्री खिलाते हैं, हमने ये भी सुना है कि जो इधर से खाना खा के चला जाए वो पीछे से ये पैसे नहीं मांगते। पैसे नहीं मांगते? और मैंने तो ये भी सुना कि इनका होटल का दरवाजा नहीं है ना, मैंने सुना ये दरवाजा पीर साहब के कहने पे नहीं रखा, ऐसे ही है? जी मैंने भी ये सुना है, दरवाजा इन्होंने पीर साहब ने बोला था कि आप जब होटल बनाए अपना दरवाजा न रखे, आप अल्लाह पाक आपकी रिजक वो देगा। हाँ, ये देखिए जी, खाना हमने खाया भी है, तारीफ भी कर रहे हैं, आप इसमें लगे जी आगे चले। हाँ जी, आपने खाना खा लिया? कैसा खाना पकता है यहाँ पे? जबरदस्त। आप कहाँ से आए हैं? अमीर गांव से। अच्छा, तो आप सिर्फ खाना खाने के लिए यहाँ पे आए? जी। अच्छा, क्या मंगवाया आप लोगों ने? हमने कढ़ाई मंगाई है, ये तुर्की से आए। अरे तुर्की से आए आप, कैसे हैं आप?
शुक्र है अल्लाह का, शर्म आ रही है। अच्छा नाजरी, ये तुर्की से आए मेहमान, इनको पूछते हैं कि ये तुर्की का खाना भी खाते हैं, वहाँ पर भी डिशेज होती हैं, यहाँ पे कुछ कैसा लगता है? जी जबरदस्त जी, हम जिस दिन आए पहले दिन ही खाया था खाना। अच्छा, यहाँ भी खाना खाया था। आप कराची से आए हैं, कब आए आप? दो तीन दिन हो गए हैं। तो अभी आप पहले यहाँ खाना खाने आए हैं? जी पहले भी आए हैं, लेकिन अभी फिर एक दो साल बाद आए। तो मैं भी कराची गया हूँ, तीन चार बार गया, ज्यादा नहीं गया, चार पाँच दफा गया हूँ। तो क्या समझते हैं, पंजाब के खाने अच्छे हैं कि कराची के? कराची के भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ का मशहूर ये होटल है, तो यहीं पे हम आते हैं। नाजरिया देखिए, इनका ये रोटियाँ पकाने का फंक्शन जो है ना, जगह है इनकी, यहाँ रोटियाँ पकती हैं और सफाई का खास ख्याल यहाँ पर भी रखा जा रहा है। बड़ा साफ सुथरा सा माहौल है। ये देखें, आम जगहों पे जाएं तो कपड़े भी साफ नहीं होते इनके, ये देखिएगा इनके कपड़े भी साफ हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? ये खैर मोहम्मद साहब हैं और रोटियां पका रहे हैं। वाह 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 वाह, सही। आपका नाम क्या है? अलियास खान। आप लोग मुकाबला करते हैं आपस में दोनों? फिर मुकाबला करते हैं। अच्छा, एक दिन में कितनी रोटी पकाते हैं? अंदाजन चार बोरी। और पकाने वाले एक ही है? दो बंदे हैं। ग्रेट। दो शागिर दो उस्ताद, चार बंदे पकाते हैं, चार बोरियां। ग्रेट। बड़ा खुला सा माहौल है, चार पाइयां पड़ी हुई हैं और चार पाइयों पर लोग बैठ के तसल्ली से खाना खाते हैं। ये देखें तारिक होटल का ये होटल हॉल आ गया जी ये, और लोग खाना खा रहे हैं जी, और ये देखें बच्चे भी खाना खा रहे हैं। चप्पल कबाब है लेकिन गोल है, लेकिन है ये चप्पल कबाब, और बड़ा मजे का लग रहा है कि अब हम खाना खा चुके हैं तो सिर्फ देख के गुजारा करेंगे। ठीक है, ये इसमें बना हुआ है, ये देख। अच्छा ये देखें, ये हो गया जी, ये इसमें बनाते हैं। और ये पीछे उनके मसाले पड़े हुए, वो दिखाता हूँ आपको, वो देखें जी। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान। पंजाब से हैं? पेशावर से। ये देखें, ये होता है कमाल अच्छे होटल्स का कि उन्होंने, क्योंकि ये डिश भी पेशावर की है, ठीक है, और उन्होंने बंदा भी पेशावर से मंगवाया हुआ है। ये नहीं है कि बस सीख के और खुद जो है ना बैठ गए जी। कामरान भाई, क्या आप कब से हैं यहाँ पे? सर हम तो 40-45 साल से यहाँ पे हैं। 40-45 साल से आप जी? मतलब अबू जी यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं। अच्छा, आप ये होटल कब बना था ये? जी सर, ये होटल कब बना था? होटल के तो बहुत टाइम हो गए। अंदाजन मतलब 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ। 20 साल से आप देख रहे हैं? जी सर। अभी पीछे जो मसाले पड़े हुए हैं, ये कौन कौन से मसाले हैं? सर ये अनारदाना पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद धनिया मिर्चा है, फिर उसके बाद गरम मसाला है, जो कि आपको सिर्फ एक ही, बेसिकली एक ही मसाला नजर आ रहा है, लेकिन इसमें तकरीबन 8-9 चीजें मिक्स की हुई हैं। अच्छा, 8-9 चीजें। जी सर। 24 घंटे चलता है ये? 24 घंटे। आप लोगों की डिश ये 24 घंटे चलती है? नहीं, हमारी डिश सुबह 10-11 बजे स्टार्ट होती है, रात को 12 बजे तक। होटल 24 घंटे चलता है? बहुत शुक्रिया आपका कामरान भाई। जी नाजरीन, ये समोसे हैं, समोसे यहाँ के रवायती समोसे हैं, और यहाँ पे सफाई सुथरे का बहुत ख्याल रखा जाता है ना, साफ सुथरा माहौल है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन जिसे कहते हैं कि वो माहौल दिया गया है। और भी मैं आपको और भी दिखाता हूँ, दही बल्ले भी हैं यहाँ पे बिल्कुल, ये देख रहे हैं, ये इनका अपना एक सिस्टम है, और सफाई बहुत अच्छी है, साफ सुथरा माहौल है। ये समोसे बन रहे हैं जी, ये देखिए लोग लेके जा रहे हैं। समोसे मजे के होते हैं इनके? ये है जी पराठे, तारिक होटल की बड़ी अच्छी ये डिश है,
ये बॉयल अंडे भी रखे हुए हैं जिन्होंने, देख रहे हैं आप। और ये इनके आपको मैंने पराठे दिखा दिए, ये पेड़े बने हुए पड़े हुए हैं, और ये वो रवायती तवा है जी जिस पे ये पराठे बनते हैं, और ये है जी यहाँ की सबसे बड़ी डिश टिक्का कबाब। ये जी टिक्का चिकन टिक्का है, इसमें बीफ टिक्का भी होता है इनके पास, ये आप देख रहे हैं जी। ठीक है जी, अब ये यहाँ पे चलते हैं जी और आपको ये दिखाते हैं। ये देखें जी, ये लेग पीसेस उन्होंने लगा दी हमें और ये बन रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश मीट इस्तेमाल करते हैं जी ये। अब देख रहे हैं कि मैं क्लोज व्यू आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ के मैंने कुछ चीज़ें सुनी हैं, मैं भी आपसे शेयर जो मैंने की भी हैं मैं और भी शेयर करूँगा। जी ये है गोश्त का सिस्टम यहाँ, ये देखें जी मटन, ये मटन जना बिल्कुल फ्रेश बनता है और उसी की हमें अभी कड़ो जो हमने कढ़ाई खाई थी अभी, ये उसी की कढ़ाई से कहते हैं मटन टिक्का कढ़ाई। जी ये होटल बारलबे रोड है जी, ये इनका किचन है, किचन यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ जबरदस्त, बिल्कुल जी बड़ा साफ सुथरा। ये है जी एक अदद तांगा, ओके सवारी अब पाकिस्तान में नायाब हो गई है तो, लेकिन बड़ा खूबसूरत बना हुआ है जी, मेरे ख्याल में इन्होंने शोपीस रखा है सजावट के लिए रखा हुआ बना के ना। इधर इसकी सीटें चेक करें जी, अब देखें जी, ये जरा देखिए जी पूरा, जी ये है जी एक कदर रेड़ी भी खड़ी है, रेड़ी को बड़ा अच्छा रंग किया हुआ है, ये देखिए क्या उस पर पेंटिंग की हुई है, अरे देखिए अरे। ये है इनका तीसरा चौथा हॉल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इनका चौथा हॉल है और यहाँ पे फैमिली हॉल बनाया गया। ये देखिएगा जी तारिक होटल की फखरिया पेशकश जो आप देख रहे हैं, ये इश्तहार जरा आपको नजर आ रहा है, देख रहे हैं जी जबरदस्त, ये इनका हॉल है जी, आपको दिखाते हैं आगे फैमिली हॉल, बाहर से दिखा देते हैं अंदर चुके हो सकता है फैमिली बैठी हूँ। ये हम जा रहे हैं, बड़ा खुली सी पार्किंग बड़ी अच्छी बनाई है जी, पार्किंग हमारी गाड़ी भी यहीं पे खड़ी हुई है और पार्किंग का बड़ा अच्छा सिस्टम है जी। ये देखिएगा जी, मैं जरा जूम करूँ उसको, ये देखिए ये भी हम भी यहाँ पे चाय पियेंगे अभी, और ये देखिए ये सारे सब कुछ चाय पी रहे हैं, और ये मैंने आपको सब दिखा भी दिया है कि लोग यहाँ पे बैठ खाना खा रहे हैं, सब देख रहे हैं।